बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई पुलिस ने दी बड़ी टेंशन। बीजेपी से निकाली जा चुकी नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। खबर ये है कि मुंबई पुलिस जल्द ही नुपुर शर्मा को समन भेज सकती है। ये समन उनकी तरफ से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में भेजा जाएगा। इस बारे में मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया। मुंबई पुलिस जल्द ही बीजेपी से सस्पेंड हुई प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन भेजेगी और उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। ये समन ज्ञानवापी मुद्दे पर एक न्यूज डिबेट के दौरान उनकी तरफ से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भेजा जाएगा। इससे पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 5 जून को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। पार्टी ने कहा कि नुपुर ने कई मुद्दों पर पार्टी की राय के खिलाफ विचार रखे। इधर सस्पेंशन के बाद नुपुर शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बार बार उनके आराध्य महादेव शिव का अपमान किया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर कुछ बातें कह दी। नुपुर ने कहा कि अगर उनकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वो अपने शब्द वापस लेती हैं। बीजेपी की इस कार्रवाई के बाद खबरें आई कि कतर, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन जैसे अरब देशों ने पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई। कतर और कुवैत ने तो भारत के राजदूतों को तलब कर लिया और उन्हें विरोध पत्र थमा दिया और भारत सरकार से माफी मांगने की मांग की। इसके जवाब में भारतीय राजदूतों ने कहा कि भारत में पैगंबर के खिलाफ जो भी आपत्तिजनक ट्वीट किए गए हैं या बयान दिए गए हैं, उनका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। राजदूतों ने कहा कि ये अराजक तत्वों के बयान हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ के एक डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोला गया और उनसे माफी की मांग करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई। लेकिन मुंबई पुलिस ने या दिल्ली पुलिस ने या राज्य किसी भी पुलिस ने उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। बीजेपी भी उन्हें सस्पेंड करके फ्रिंज एलिमेंट कह रही है। लेकिन इन पर सवाल खड़ा होता है कि क्या देश की पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करेगी? उनकी गिरफ्तारी आखिर कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।